देश का नंबर वन किफायती ट्रैक्टर पावर ट्रैक, भारत के किसानों का भरोसेमंद ट्रैक्टर पावर ट्रैक, एस्कॉर्ट लिमिटेड लाए हैं पावर ट्रैक नेक्स्ट सीरीज। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। छतरपुर रेंज के डीआईजी विवेक राज सिंह, जो अपनी एक अलग कार्यशैली के लिए भी जाने जाते हैं, इस दफा वो फिर चर्चाओं में है। दरअसल डीआईजी विवेक राज टीकमगढ़ जिले के भ्रमण पर पहुंचे थे, जहां उन्होंने फुटपाथ पर गुजर बसर करने वाले छोटे छोटे बच्चों को चिप्स के पैकेट बांटे। इस दौरान बच्चों में अलग उत्साह देखने को मिला। दरअसल डीआईजी विवेक राज सिंह ने टीकमगढ़ में शहर का भ्रमण मिश्रत राहा से शुरू करके नजाई मंडी से होते हुए कटरा बाजार, नगर भवन, लक्ष्मी टॉकीज, गांधी चौराहा, पुराना बस स्टैंड, अम्बेडकर चौराहा, जेल रोड, जिला अस्पताल से होते हुए पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर पुलिस और अधिकारियों के साथ बैठक की। इसके बाद बच्चों को उन्होंने चिप्स के पैकेट बांटे। इसको लेकर उन्होंने कहा कि यहां आकर देखा है लोग अच्छे से पालन कर रहे हैं, क्योंकि आगे व्यवस्थाएं किस तरह से रहना है इसको लेकर निर्देश भी दिए हैं। बाकी स्थिति को देखते हुए निर्णय क्राइसिस मैनेजमेंट समिति को लेना है। डीआईजी ने अपील की है कि अभी ये महामारी रहने वाली है, इसलिए सावधानी रखें, नियमों का पालन करने के अलावा डबल मास्क पहने। बेसिकली जो हमारा कोरोना वैक्सीन है, इसके पालन कैसे हो रहा है, लोगों का कोरोना अनुकूल जो हर कैसा है, सबका जायजा लेने के लिए हमने पढ़ा है कि लोग अच्छे से चीज का पालन कर रहे हैं। अभी चूँकि अगले फेज में बहुत सारे बीज दी जानी है, गतिविधियों का शुरू किया जाना, तो ऐसे में हमारी जिम्मेदारी और ज़्यादा बढ़ जाती है, तो इस वो तो हम लोगों ने रिव्यू किया है और इसके लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं, ताकि हम लोग बेहतर तरीके से जो निर्देश आने वाले हैं, जो निर्णय जिला समिति लेगी, जिला क्राइसिस मैनेजमेंट समिति लेगी, उसके आधार पर हम लोग उसको इम्प्लीमेंट करा पाए, तो उसके लिए हम लोग रणनीति तय की जाएगी और उसके लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। मैं अभी क्योंकि ये ऐसा फेज है जहाँ पर कोरोना बीमारी सब्साइड नहीं हुई है, अभी कंटिन्यू लंबे समय तक ये हमें चलना है, तो हमें सभी से यही अपील करेंगे कि जो कोरोना अनुकूल व्यवहार है उसका पालन करें, डबल मास्क का भी किसी स्थिति ऐसी आएगी तो डबल मास्क का पालन करें, डबल मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, लगातार अपने आप को सैनिटाइज करते रहें, ताकि इस वायरस के प्रकोप से बचा जा सके। सर, जैसा कि टीकमगढ़ शहर में निरंतर लॉकडाउन के लिए सख्ती से पुलिस प्रशासन के द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है, लेकिन बल्लोवाड़ और खरगापुर में बैंकों में भी और बीते दिनों एक शादी समारोह में भी खरगापुर के, हाँ ये एक संज्ञान में मामला आया था खरगापुर का, इसके आधार पर उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई भी हुई है। बट मैं सभी लोगों से अपील करूँगा, सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि वो इस चीज़ का पालन करें, क्योंकि यह बीमारी हम लंबे समय तक लोगों को नियंत्रित करके नहीं रख सकते हैं, लेकिन ये बीमारी तो हमें इसके लिए जो हमारा कोरोना अनुकूल व्यवहार है उसका पालन करना होगा, जो दिशा निर्देश शासन के आ रहे हैं उनका पूर्ण का पालन करें, ताकि हम बेहतर तरीके से इसको कंट्रोल कर पाए। सर, जैसा कि शहर में रेड जोन, ग्रीन जोन की चर्चा हो रही है, क्या शहर को इस तरीके से भी, हाँ देखिए जैसा भी क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी का निर्णय होगा और वो किस इसके आधार पर इस आधार पर कार्रवाई की जाएगी। थैंक यू। टीकमगढ़ से सुधीर मवई, सागर टीवी न्यूज। देश का नंबर वन किफायती ट्रैक्टर पावर ट्रैक, भारत के किसानों का भरोसेमंद ट्रैक्टर पावर ट्रैक, एस्कॉर्ट लिमिटेड लाए हैं पावर ट्रैक नेक्स्ट सीरीज। 52 हॉर्स पावर से 60 हॉर्स पावर तक के उच्च तकनीकी विशेषताओं वाले ट्रैक्टर, जिनमें है ज्यादा भार उठाने वाली हैवी हाइड्रोलिक लिफ्ट, ज्यादा पीटीओ पावर, स्वतंत्र क्लच के साथ साइड शिफ्ट गियर, मल्टी स्पीड रिवर्स पीटीओ, 24x7 गियर बटन के साथ। जब बदल रहा है जमाना, फिर आपका ट्रैक्टर नए जमाने का क्यों नहीं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें अधिकृत डीलर ओम साईराम ट्रैक्टर, खुरई रोड, सहानी होटल के सामने, बीना। हमारे नंबर हैं 9926184111, 9926184101, सागर ब्रांच 280 भगवानगंज सागर, हमारा नंबर है 9407184111, 7610135101।